नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गया जिला के शेरघाटी थाना क्षेत्र के बीटीबीगा गांव में एक महिला की संदिग्ध हत्या की गुत्थी 3 दिन बाद भी नहीं सुलझी। पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं, जबकि हत्या के बाद महिला का एंड्रॉयड मोबाइल बदमाश अपने साथ ले गए। जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें, जाते जाते बदमाशों ने साक्ष्य के रूप में अपना चप्पल भी छोड़ दिया, जिसका स्थानीय लोगों द्वारा वीडियो बनाया गया। दुर्भाग्य रहा कि वह छोड़ा हुआ चप्पल कब कैसे किसने गायब कर दिया, यह घर वालों को पता नहीं चल पा रहा है। गया जिला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। क्या घटना घटा बताइए यहाँ? घर में वही घटना घटा और ऐसे ऐसे बात हो गया। देखे आए उधर से। कहाँ थे आप? हम धनबाद थे। कितना तारीख को घटना घटा यहाँ? ये 7 तारीख को घटना घटा है रात में। क्या पता लगा आपको? पता क्या, शाम में बातचीत हुआ, फिर रात में 12 बजे फोन गया हुआ था मैं स्कूल मेरे पास, तो हम फिर देख नहीं पाए। फिर सुबह में देखे तो देखे कि फोन आया हुआ है, तो उधर से भी वापस हम फोन किए तो फोन स्विच ऑफ बता रहा था, तो उसके बाद फिर आसपास में फोन किए तो पता चला कि आपके यहाँ दरवाजा बंद है, दरवाजा खुला नहीं है। तो एक भाई था, उनको फोन किए, फिर वो आए, वही से बातचीत हुआ, फिर वही बताया कि ऐसा बात है। कैसे मौत हुआ, क्या पता लगा आपको वहाँ फोन पर? कौन बताया? भाई थे वो, ये बताया कि उनकी मौत हो गया है। वो तो क्लियर नहीं बताया कैसे हुआ क्या हुआ, तो वो भी नहीं पता था उसको भी। यहाँ आए तो क्या जानकारी मिला आपको? गांव वाले क्या बताया आपको? गांव वाले क्या बताएं, गांव वाले तो यही देख रहे हैं जो भी है, मन की ऐसा ऐसा बात घटना घटा हुआ है। क्या नाम था आपके पति का? गुड़िया देवी। 3 दिन बीत गया है, अभी तक पुलिस क्या की है, क्या क्या हुआ है अभी तक? पुलिस तो खैर आई जा रही है, अपना जो है कार्यक्रम कर ही रही है। अच्छा, ये सूचना मिली है कि यहाँ पर एक किसी जो घर में प्रवेश किया था असामाजिक तत्व, शरारती तत्व, तो बदमाश, उसका एक चप्पल छूट गया था, शायद वो गायब हो गया है। चप्पल, अच्छा, और नदी में दाह संस्कार के लिए गए थे, वहाँ पर वहाँ पे कुछ कपड़ा उसका जो जिस पर सोती थी, ये था बिस्तर था, ये सब आप लोग फेंके थे, उसको शायद कोई जला दिया है, क्या किया है? हाँ, कोई जला दिया है। तो इससे लगता है कि सच को कोई मिटाने का प्रयास कर रहा है। कोई आसपास का है? है, आसी पास का है वो कहीं। ताकि उसका देखे कि गला में भी खरोच था, गाल पे भी था, फिर यहाँ पे जो पहन, तो गलत होने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। कुछ जो पहनले वाले थे वो ले गया, मोबाइल ले गया है। अब आगे तो देखिए। क्या नाम है आपका? इंटू कुमार। जिनका हत्या हुआ है आपके कौन लगती थी? हमारा पुतू है। अच्छा, देवर के लड़के पुतो थी। क्या देखा है आप? हम यही देखे कि आया तो उमर के पड़ी हुई थी। अच्छा, लोग जांच करने लगा कि कैसे का हुआ, देखने लगा किधर से कोई घुसा, तो ये मिला कि उधर से दरवाजा खुला हुआ था और मरी हुई पड़ी हुई थी। अब ये तो नहीं पता कि कौन मारा है, इतना तो पता है उसका गला घोटा हुआ था, मंगलसूत्र था वो नहीं था, मोबाइल ले गया। क्या नाम था ये जो डेट के? गुड़िया देवी। गुड़िया देवी, ओके। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बैजनाथ प्रसाद हुआ। क्या घटना घटा है यहाँ? घटना सर, हम लोग ग्राम बगल के हैं, हम लोग जब ये 8 बजे तक इनका दरवाजा नहीं खुला तो इन्होंने फोन किया। कितना तारीख को? 7 तारीख को। अच्छा, 7 तारीख को आठ तारीख को 7 तारीख को रात था। अच्छा अच्छा, तो 8 तारीख 8 तारीख को मैंने दरवाजा नहीं खुला, तो 8 को जब ये घटना घटती है तो फिर गांव घर जुटने लगा, देखने लगा, दरवाजा खोला तो एक तरफ से दरवाजा बंद मिला और दूसरे तरफ पीछे से दरवाजा खुला मिला और लाश पड़ा हुआ मिला, सब जो था से बिस्तर पर ही पड़ा हुआ मिला और उसका गला में दबाया हुआ खरोच मिला, गाल पर खरोच मिला, हाथ में खरोच मिला, दोनों हाथ काला हुआ हो गया था और मुंह जो दबाया गया था वो मुंह पूरे काला हुआ था। सर हमें कहना है मुंह से ब्लड और नाक से ब्लड आया हुआ था। हमें कहना है कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए। हम मीडिया प्रभारी, पत्रकार प्रभारी से आग्रह करेंगे कि इसको आगे बढ़ा करके हमें न्याय दिलाने का कृपा करें और
अगर नहीं मिलता है प्रशासन तो आ रही है, लेकिन अभी तक विफल है। अभी तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं सका है, पकड़ नहीं सके हैं, तो इस पर हम लोग का भी खेद महसूस हो रहा है। और हम ये कहेंगे कि दो बाल बच्चे उनको हैं जो ये प्राइवेट काम करके पढ़ाता लिखाता या जो भरण पोषण कर रहा था वो आज अनाथ हो गया है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। और कहेंगे कि ये जो घटना घटती है, हम जब सरकार का कहना है कि महिला बाहर आए और घर में महिला सुरक्षित नहीं है, अपने घर के अंदर उसका मर्डर है और हत्या होता है, गाला दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, तो बाहर में कैसे ये घूम सकती है? सरकार का क्या उम्मीद रखा जाए कि ये सुरक्षित रख सकेगी महिला को? प्रशासन से क्या मांग कीजिएगा यार? प्रशासन से मांग हम यही करेंगे कि हमको न्याय मिलना चाहिए, अपराधी को पकड़ना चाहिए, अपराधी को फांसी का सजा दिलाना चाहिए। इसलिए कि मेरा जिस ढंग से गला घोट कर हमारे परिवार को मर्डर किया है, उस ढंग से उसको भी हत्या होना चाहिए, इनकाउंटर करके उसको भी मारना चाहिए प्रशासन को, ताकि आगे कोई ऐसा कदम नहीं उठा सके। हमारा महादलित का टोला है बगल में, पिछड़ा का टोला है जो बाहर में लोग सुतता है, हमारा सुरक्षित हर समय है, और इस ढंग की घटना घटेगी तो हम लोग कहाँ जी सकते हैं? अपना परिचय दीजिए।